गया जिसमें आए श्रद्धालुओं को भोजन खिलाया गया। वृंदावन कुंभ क्षेत्र परिसर में जहां अनेक संस्थाओं द्वारा बाहर से आए श्रद्धालु एवं साधु संतों के लिए सुविधाएं उपलब्ध हो सके, इसी के चलते संस्थाओं एवं खालसा द्वारा अपने अपने माध्यम से कोई न कोई आयोजन किया जा रहा है। वहीं बसेरा ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड ने भी अनूठी पहल की, जिसमें बाहर से आए हुए श्रद्धालु एवं सभी संत महंतों के लिए भोजन प्रसाद की व्यवस्था की है। वाटिका ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड के चेयरमैन रामकिशन अग्रवाल ने कहा, महामंडलेश्वर राधा प्रसाद देवजू की प्रेरणा से यह शिविर लगाया गया है, जिसमें बाहर से आए हुए श्रद्धालुओं के लिए भरपूर भोजन की व्यवस्था की गई, जिसमें बाहर से आए श्रद्धालु एवं वृंदावन से आया हुआ कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे। मनोज अग्रवाल, वृंदावन समाचार 24। हमारे महाराज जी महामंडलेश्वर श्री राधा प्रसाद जी की प्रेरणा से बसेरा ग्रुप के द्वारा ये शिविर लगाया गया है। ये शिविर 40 दिन तक चलेगा। इस शिविर में आने वाले हमारे दर्शनार्थी तीर्थयात्री जो कि भोजन प्रसाद के लिए वह परेशान हैं, उनके लिए भोजन प्रसाद की, साधु संतों के लिए अथवा जो हमारे प्रशासन की सेवा में लगे हुए हैं सभी भाई लोग, उनके लिए भोजन प्रसाद की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। यहाँ पर सभी लोगों को भिन्न भिन्न मेनुओं के साथ दैनिक सुबह 9 बजे से शाम को रात को 9 बजे तक भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे कोई भी श्रद्धालु, कोई भी तीर्थयात्री, कोई भी वृंदावन धाम में पधारने वाला व्यक्ति भूखा न रहे, यही उद्देश्य के साथ। सेरा ग्रुप की तरफ से यहाँ कुंभ मेला क्षेत्र में अन्य क्षेत्र चलाया जा रहा है। ये अखंड क्षेत्र अन्य क्षेत्र है और ये निरंतर चलता रहेगा। हर कुंभ में हम लोग इस प्रकार से कोशिश करते हैं चलाने की। पिछली बार जब कुंभ आया था तब भी हमने यहाँ पर डॉक्टरों का वो चलाया था और अभी ठाकुर जी कृपा से अनुच्छेद चला रहे हैं। तो क्या 40 दिन पूरा यहाँ से भोजन वितरण का कार्यक्रम चलेगा? अच्छा, यही है कि ये पूरा ही 40 दिन तक चलता रहे। लगभग कितने लोगों को रोज यहाँ पे भोजन वितरण दिया जा रहा है? करीब 8-10 हज़ार लोगों को यहाँ भोजन रोज